हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रॉबिन और मैं आज के वीडियो में एक ऐप के बारे में बोलूँगा जिस ऐप का नाम है ड्रीम इलेवन प्रो। आप कुछ लोग ही जानते हैं कि ड्रीम इलेवन प्रो क्या होता है। ये एक क्रिकेट ऐप है। मैं और एक बार बोल दूँ कि ये एक क्रिकेट ऐप है जिसमें आप पैसा लगा सकती हो और जीत भी सकती हो। रियली विश्वास करो फ्रेंड्स, मेरे विश्वास करो, मैंने इस ऐप से बहुत सारे पैसे कमाया है। ये बैठे बैठे पैसे की ऑनलाइन पैसे कमाने एक बहुत बड़ा बढ़िया ऐप है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस अब बात करते हैं इस फैंटेसी ड्रीम इलेवन प्रो ऐप के बारे में। तो चलो चलते हैं। पहले इस ऐप के ये देखो, मेरे अकाउंट में अभी 5 रुपये है और मतलब कि मैंने बहुत सारे जो पैसे कमाए वो मैंने मेरे मेरे अकाउंट पे डाल दिया। देखोगे मेरा ट्रांजैक्शन देखो। हाँ ओके, जस्ट अ मिनट। तो क्या क्या होता है कि इस ऐप में आपको जो टीम रखना है वो टीम आप ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। दिखा जा रहा है कि ये देखो, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। और अभी जो मैच चल रहा है ना वो लाइव चल रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया का मैच लाइव चल रहा है और साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच वो लाइव, दोनों लाइव चल रहे हैं। रिजल्ट आ गया है कुछ कुछ का। तो ये फीचर्स फिक्सचर्स है। इस यहाँ पर आप जो भी मैप आप पसंद करते हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट करना चाहो जो ऐप जो टीम, तो वो टीम सिलेक्ट करते हो आप। एक या जस्ट क्रिकेट ही नहीं, ये आप क्या कर सकते हो, आप फुटबॉल भी खेल सकते हो। फुटबॉल, फैंटेसी फुटबॉल भी खेल सकते हो। वह अलग अलग टीम होता है और इस ऐप ने रियल टाइम प्ले होता है। ये देखो, ये केरला वर्सेस गोवा, ये वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 10 घंटे 13 मिनट 35 34 सेकेंड पर सेकेंड के बाद चालू होगा। तो चलो देखते हैं यह क्या क्या है कि पहले चलते हैं इसका फैंटेसी के पॉइंट सिस्टम पर। इस फैंटेसी गेम को समझने के लिए, गेम को खेलने के लिए, अर्निंग करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले पॉइंट पर ध्यान देना पड़ता है कि कैसे कैसे पॉइंट अर्निंग होता है, क्या क्या करने पे ज़्यादा पॉइंट आएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि बींग ए पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग इलेवन, इसका मतलब है कि यदि आपका आप जो प्लेयर कोई चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, प्लेयर आपके टीम पर खेल जाए तो उसके लिए आप T20 में उसके लिए आप 2 पॉइंट पाओगे, ODI में 2 पॉइंट, टेस्ट के लिए 2 पॉइंट। और प्रति रन के ऊपर, पर रन के ऊपर एक, अगर तो आप जोरज को चुनते हो तो और वो एक रन कर, प्रति रन के ऊपर 0.5 पॉइंट मिलेगा आपको। और एक छक्का मारेगा और आप जो बॉलर को चूज़ करते हो, बॉलर एक विकेट ले लेता है तो आपको 10 पॉइंट मिलता है और ODI में 12 पॉइंट। कैच टेकन, कैच पकड़ने में 4 पॉइंट मिलता है और बोल्ड आउट और कॉट आउट करने में 14 पॉइंट मिलता है और स्टम्पिंग रन आउट करने में 6 पॉइंट रन आउट इस पॉइंट मिलता है। तो चलो अब प्लेयर चूज़ करने के बाद, चूज़ करने में आपको मैं आपको ले चलता हूँ। चलो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जो जो प्लेयर। आपको पहले ये बता दूँ कि बोल दूँ कि यहाँ पर टीम क्या क्या होता है। विकेट कीपर होता है। विकेट कीपर में आपको एक विकेट कीपर चूज़ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पिक 1 विकेट कीपर। और बैट्समैन पे चला जाओ तो यहाँ पर आप 3 से 5 तक बैट्समैन आप ले सकते हो और ऑलराउंडर भी है। ऑलराउंडर के लिए आप वो 1 से 3 ऑल, मैक्सिमम आप 3 ऑलराउंडर ही ले सकते हो और लेना ही होगा आपको 3। और बॉलिंग आप 3 से 5 ले सकते हो, 1 से एकदम 5 तक ले सकते हो। 3 अपने को आपको लेना ही पड़ेगा। और चलो तो विकेट कीपर में चलते हैं। विकेट कीपर में यह क्या है कि आपको यहाँ पर देखना, मुस्तफिकुर रहीम यहाँ पर आप देखना पड़ेगा। ये जो ये है मुस्तफिकुर रहीम, यह इस जर्सी में क्लिक करेगा तो इसका पूरा डिटेल्स दिखाएगा कि क्या क्या है इस ऐप में, क्या क्या है, क्या ये कैसे कैसे खेलते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आप पूरा देखते हैं, मेरा अभी नेट स्लो है। हाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो बांग्ला इंडिया प्लेयर चूज़ करने के पहले आपको क्या देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि उसका पॉइंट कितना है और कौन को कितने परसेंट ने उसे सिलेक्ट किया है। इस मैच ने, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में 36% लोग ही इसको सिलेक्ट किया है, मुस्तफिकुर को। और यहाँ पर जाओ तो लिट्टन दास इसको जस्ट कितने परसेंट सिलेक्ट किया है देख सकते हो आप।
तो ये क्या है कि आप बैट्समैन में बैन पे चले जाओ तो क्या यहाँ पर धोनी नहीं खेलेगा। सो धोनी का या नहीं दिखा दिखाया जा रहा है, तो बैट्समैन की तरफ कोहली की तरफ आप जा सकते हो, उसका कितने कितने पॉइंट है देख सकते हो, और पॉइंट देखकर ही आप उसको उस टीम को चूज कर सकते हो। मेरे मेरे ख्याल से आपको ना आपको बैट्समैन तीन लेना चाहिए, विकेट कीपर एक लेना चाहिए। बैट्समैन तीन में कोहली कर लेता हूँ, तमीम इकबाल, आप अच्छे अच्छे बैट्समैन देखो जो भला अच्छे अच्छे बैट्समैन, वो तीन बैट्समैन ले लो, और बॉलिंग ले लो, तीन बॉलिंग ले लो, और ज़्यादातर ऑलराउंडर ले लो। ऑलराउंडर अब ज़्यादा अच्छे अच्छे ले लोगे ना, तो ऑलराउंडर में ही आपको आप जीत सकते हो ऑलराउंडर लेकर। ऑलराउंडर तीन ले सकते हो आप, और ऑलराउंडर तीन 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 ले सकते हो, तो बॉलिंग ले आप ले सकते हो। हाँ, तो अच्छे अच्छे बॉलिंग लोगे तो एक 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 बॉलिंग जब एक विकेट ले लेता है तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, अच्छा सा पॉइंट, अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है। आप क्या कर सकते हो, तो एक टीम पे ही आप एक टीम पे ही आप जस्ट अ मिनट, एवरी टीम नीड्स थ्री बैट्समैन। ओके, तो बैट्समैन में चलो और बैट्समैन में तीन बैट्समैन ले लो। अभी क्या हो, मेरे पास 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, तो मैं 8 पॉइंट से ज़्यादा नहीं पाऊँगा, तो यहाँ पर आप ले सकते हो। या अब नेक्स्ट करो। अब मेन मेन सिस्टम ये है कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना पड़, ये मेन है, क्योंकि आप तो कैप्टन सेलेक्ट कर रहे थे, आप प्लेयर सेलेक्ट करते हो, आप सभी प्लेयर खेलते हैं, लेकिन क्या होता है कि कैप्टन आप जो जिसको कैप्टनसी करते हो ना, कि आप समझो कि अब विराट कोहली को कैप्टन किया, और विराट कोहली ने 100 पॉइंट किया, तो आपको क्या होगा, 2 × पॉइंट्स, यानी कि आपको विराट कोहली का जो पॉइंट आएगा उसका दुगना पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर चलाओ कि या वाइस कैप्टन रविचंद्रन तमीम इकबाल को, भाई अगर तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम को वाइस कैप्टन करते हो तो उसका जो पॉइंट आएगा उसका 1.5 गुना होगा, 1.5 × x, मतलब जो पॉइंट होगा उससे 1.5 गुना होगा पॉइंट। तो आप एक करके पॉइंट चूज कर सकते हो, और अभी आपका टीम सेव कर दो, और टीम सेव करने के बाद आपको कैश लीग आएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस लीग के लिए कुछ, आप जब नया नया हो तो इस प्रैक्टिस लीग में लगा सकते हो पैसा, लेकिन यहाँ पर कोई पैसे लगाना नहीं होता, यह फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर चलो कैश लीग में प्ले फॉर कैश, कैश से प्ले करो, और आप जब रजिस्टर करते हो पहले तो आपको 100 रुपये मिल जाते हैं, और 100 रुपये में ही आप लगा सकते हो, लेकिन आपको पहले ही ज़्यादा मत पैसा लगाओ, पहले 10 रुपया करके लगाते लगाते आप बड़ा हो जाओगे। पहले तो मैंने भी यही गलती किया, पहले मैं 99 और 100 100 रुपये के भी मैच लगा दिया, तो मैंने वो किया हो, मैंने कुछ नहीं जीता, थोड़ी थोड़ी क्या करके अक्के लाया कि क्या करना है। तो यहाँ पर आप 12 रुपये लगा सकते हो, 35 रुपये लगा सकते हो। और यह मेन बात है कि ये जो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर एम लिखा है, कॉन्फर्म लीग्स, दिस लीग्स वोंट कैंसिल इवन इफ दे डोंट फिल अप, मल्टी इंटर लीग्स, यू कैन रीजॉइन दिस लीग्स विद वन मोर देन वन टीम। अब ये जो है यहाँ पर एम लिखा हुआ है ना, इस ये जो कैश लीग है, इस लीग का भी ये जो यहाँ पर एक दो विनर को सिलेक्ट कर गए हो, और ये 10 टीम इस चांस ले पाएगा, इस यहाँ पर 10 टीम चांस ले पाएगा। और ये जो है ना, ये जो लीग है, ये लीग अब अगर पूरा नहीं होता तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन इस लीग को एक भी हो या दो भी है या कैंसिल नहीं होता, तो यही खासियत है इसका इसका। तो आपको पहले, आप जब नया नया हो तो आप ज़्यादा पैसा मत लगाओ इसमें, थोड़ा कम कम करके पैसा लगाओ। हाँ, और आपको क्या करना है, ओके, या होम पे जाकर आप पहले आप माय अकाउंट पे जाओ, माय अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट बैलेंस चेक करो, और कितने कितने हैं वो भी चेक कर लो। और क्या है कि आप विद इस यहाँ पर जो पैसा है ना, इस पैसे को विदड्रॉ करने के लिए या वेरीफाई में जाकर आपका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर लगेगा, बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड दोनों सबमिट करके कर दो, उससे सक्सेस होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों ही सक्सेस हो गया, और पैन कार्ड भी सक्सेस होने हो, पैन कार्ड देना पड़ेगा। वो क्या है ना कि मैं जिस अकाउंट से मैंने पैसा कमाता है, वो उस अकाउंट को मैंने और इधर रखा, ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस अकाउंट को मैंने दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसा है यार। तो
अगर इस ऐप को भी हैक कर सकता है, क्या है कि आप जो बोनस पॉइंट है आपको जो फ्रेंड को रिफ़र करने में 100 रुपये मिलते हैं, ये भी कर सकते हैं हम। वो उसके लिए थोड़ा अलग उपाय है, और उपाय मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो में देख लोगे तो वो देख सकते हैं कि कैसे इस फैंटेसी बोनस पॉइंट, जो फैंटेसी के जो 100 रुपये का बोनस पॉइंट है, उस 100 रुपये का बोनस पॉइंट आपको मिल सकता है। तो उसमें क्या है कि आप जब इन्वाइट फ्रेंड्स पे जाओगे, तो ये देखो ये जो मेरा मेरा इनविटेशन कोड है, इस इनविटेशन कोड देखोगे, इसमें भी मैं कितने रुपए कमाए। इनवाइट करके मैंने 2048 रुपये कमाए हैं, मैं इनवाइट करके, जस्ट इनवाइट करके और कुछ नहीं। मेरा 9 फ्रेंड ज्वाइन किया, और ये देखो ये सब मेरा फ्रेंड है, ये ज्वाइन किया। पर फ्रेंड ज्वाइन करने पे मुझे 250 रुपये करके मिल के 2100 रुपये टोटल मिले, 2048 रुपये टोटल मिले। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ्रेंड को, इसे भी जो देख रहे हो ना, ये सब कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं ही खुद हूँ। ये मेरे मोबाइल को रूट कर किया, और रूट करके डुप्लीसिटी करके ये मैंने अपने ही मोबाइल पर इंस्टॉल करके, अपने ही मोबाइल नंबर वेरीफाई करके अपने ही पैसे कमाया। और मैं 2000 रुपये से मैं खेलना शुरू किया, और मैंने अभी तक करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये कमाया है। हाँ, मेरे बैंक में भी ट्रांसफ़र हो गया, और वो पॉकेट में भी चला आया। तो यार कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बोल दूंगा कि कैसे करते हैं इसको, रिफर बोनस को कैसे खुद हैक करके कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि मैं अच्छा अच्छा वीडियो लाता हूँ इस नए नए ऐप के बारे में। हाँ, तो आप मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, गुड नाइट।